वेलकम टू डायरेक्शन 360। اللهم رب زدني علما। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके यूनिट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका पीरियोडिक ट्रेंड को देखेंगे हम, ठीक है जी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज़ दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एनी गैसियस न्यूट्रल एटम टू फॉर्म एनायन। एनर्जी यानी कि एनर्जी की वो मिकदार जो कि रिलीज होगी, खारिज होगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब, जज्ब होगी, किस वक्त, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल के अंदर क्या होगा, ऐड होगा टू फॉर्म एनायन, नेगेटिव चार्ज के आयन बनाने के लिए। जब किसी भी एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज किलो जौल पर मोल। एग्जाम्पल क्लोरीन गैसेस एटम गैसेस फॉर्म में जी, ठीक है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्लोराइड में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए एनर्जी क्या आ रही है जी हमारी, -352 किलो जौल पर मोल आ रही है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह इसकी भी टाइप्स हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। हरारत की वो मिकदार जो कि क्या हो रही है, जज्ब हो रही है या वो खारिज हो रही है, कब हो रही है, जब एक न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, उस वक्त उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सबब में क्या होता है, यूनि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल लाइक ऑक्सीजन है, अभी क्या करिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसके लिए डेल एच एनर्जी कितनी आ रही है जी, -141 किलो जौल पर मोल। साइन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। रीज़न क्या है जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव क्यों होती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है जब पहला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड किया जाता है। इसकी रीज़न, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। फिलहाल तो क्या होता है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो तकरीबन बराबर होती है, फिर क्या होता है, आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियर की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बड़े टाइटली अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्शन हो जाती है न्यूक्लियस की और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड है जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, कब एब्जॉर्ब होगी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन यूनिमॉलिक्यूलर या यूनि नेगेटिव आयन टू फॉर्म डाई नेगेटिव आयन। पहले था जी न्यूट्रल एटम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में न्यूट्रल गेन करता था तो यूनि नेगेटिव चार्ज आ जाता था, अब यूनि नेगेटिव गेन करेगा इलेक्ट्रॉन फर्दर तो डाई नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको क्या कहेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, ऑक्सीजन न्यूट्रल था तो क्या हुआ था, ऑक्सीजन के ऊपर यूनि नेगेटिव चार्ज आया था, अब ये दोबारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसके ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, डेल एच इज इक्वल टू +780 किलो जौल पर मोल। अब सवाल ये पैदा होता है, साइन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज इट शो एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाइल एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन इन यूनि नेगेटिव आयन, द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम टू ऐड फर्दर इलेक्ट्रॉन इनकम टू ओवरकम द रिपल्शन अमंग द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द यूनि नेगेटिव आयन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं डाई नेगेटिव आयन बनाने के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेचर ऑफ ऑर्बिटल एस पी डी ई एफ, ठीक है, इसी तरह ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इन तमाम को हम आगे डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड डाउन द ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी रीज़न क्या है? इंक्रीज इन अटोमिक साइज और इंक्रीज इन शेडिंग इफेक्ट। एज यू नो दैट अटोमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज वाई इंक्रीज इन अटोमिक साइज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अकर। ऑल्सो सेम इन द केस ऑफ शेडिंग इफेक्ट। एबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जी इस ट्रेंड के मुताबिक डाउन द ग्रुप? 5A के एलिमेंट में क्या होता है? नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, लेकिन क्या होता है जी, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की निस्बत ज़्यादा है। सेम 6A में क्या होगा जी? ऑक्सीजन और सल्फर है जी, उसके बाद सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी? ऑक्सीजन से ज़्यादा है। जबकि ये ट्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके उल्टा होना चाहिए। टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ है जो हमने डिस्कस किए, उल्ट हो रहा है जी। बॉटम वाली की ज़्यादा है और टॉप वाली की कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम आ जाता है इन 7A। 7A में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह इसमें भी एग्जाम्पल में बताया गया है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की निस्बत ज़्यादा है। रीज़न क्या है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, यह एबनॉर्मल ट्रेंड क्यों है? रीज़न ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है जी, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s और 2p ऑर्बिटल में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर असरअंदाज हो जाते हैं ये, विच काजेज रिपल्शन टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं जी? सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इस तरह रिपल्शन हो जाती है। इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एबनॉर्मल ट्रेंड देखा गया है। लेस नो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल इंक्रीज द रिपल्शन। जितनी वैकेंसी कम, यानी कि जितना ऑर्बिटल फुल होगा इलेक्ट्रॉन के मदद से, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी, इसके अंदर ये बताया गया है। अब देख लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। रीज़न क्या है? अटोमिक साइज डिक्रीजेस। एज यू नो दैट अटोमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है तो अटोमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एबनॉर्मेलिटीज इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? ग्रुप 2A, 5A, 8A शो एबनॉर्मल ट्रेंड, ठीक है, बाय लो वैल्यूज इन द एवरी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल अंडरस्टूड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से देख सकते हैं। ये था दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हमने देखा है, इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं और इसका पीरियोडिक ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स अलॉन्ग विद एबनॉर्मेलिटीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जज़ाकअल्लाह।